हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जोमैटो लिमिटेड की, जिसके अंदर आज के दिन में लगभग 14% तक की तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है और इसने अपने 52 वीक लो से एकदम से तेज उछाल मारते हुए 14% की तेज़ी के साथ ये आज कारोबारी दिन के अंदर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इसके अब फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्सेल की टेबल के ऊपर। और फर्दर आगे किस तरह से ये परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा वो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी। अगर मैं आज की बात करूँ और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, तो डेफिनेटली इसके अंदर ऊपर उठने की जो एक तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है उसको आप चार्ट के ऊपर आराम से देख सकते हैं। और अगर ओवरऑल इस शेयर के अंदर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ से अब ये उठने की जो उम्मीद है वो दिखाते हुए नज़र आ रही है इस शेयर के अंदर। ओवरऑल एक साल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर लगभग आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस शेयर के अंदर यहाँ पर 48% से ज़्यादा के जो माइनस में रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर 14% जो आज की रैली है उसको इसमें जोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स हैं वो 60% से ज़्यादा के ऊपर दिखाई देते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि इस शेयर के अंदर आधे से भी नीचे प्राइस पर जो वैल्यू नज़र आती हुई दिखाई दे रही है इस समय, तो यहाँ से अगर इसके अंदर तेज़ी बनती है तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि इस शेयर के अंदर बहुत दमदार रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली एक जो सिनेरियो इस शेयर के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से है कि इस शेयर के अंदर अब अगर कोई मजबूती नज़र आती है तो ये आपको एक अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें और डेफिनेटली हम उन सब चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसके अंदर एक मजबूत तेज़ी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कंपनी के अंदर जो इस समय रिजल्ट निकलते हुए दिखाई दिए हैं 23 तारीख को, अगर मैं बात करूं तो 23 तारीख को इसके रिजल्ट आए और वहां पर जो लॉस है वो 360 करोड़ के करीब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके रिवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहां 1211% तक का इसका 1211 करोड़ का इसका रिवेन्यू है। और अगर मैं इसके नेट लॉस की बात करूं, ईयर टू ईयर कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिछले साल देखेंगे तो 132 करोड़ रुपए का इसका लॉस था और जो रिवेन्यू था वो लगभग आप 692 करोड़ के करीब था। तो यहां पर अगर आप देखें तो 75% जो रिवेन्यू के अंदर ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो नेट लॉस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अगर इस तरह से ये रिटर्न आते हुए और डेफिनेटली ये जो बूम नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बूम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है उसकी वजह से कि इसके रिवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो इसको ऊपर की तरफ खींचती हुई नज़र आ रही है। एक बार इसके फाइनेंशियली रिजल्ट जो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर हम देखेंगे किस हिसाब से इसके रिटर्न है वो निकलते हुए नज़र आएंगे। फ्री ऑलमोस्ट डेट फ्री नज़र आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी इस शेयर के अंदर जो मजबूती है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसके जो बेसिकली फंडामेंटल के अंदर इशू बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर एक अच्छे खासे जो रिटर्न निकलने थे वो नहीं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रिवेन्यू की बात की जा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जा रही है, यहाँ पर रेगुलरली माइनस के अंदर ये नंबर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रीज़न है कि शेयर नीचे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोशिश करने आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जो ईयरली वाइज ग्रोथ है इस शेयर के अंदर वो भी उस हिसाब से नज़र नहीं आ रही है जिस हिसाब से इसके अंदर आनी चाहिए। यानी कि ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो आपको माइनस में नंबर दिखाई दे रहे तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कंपनी किस तरह से अपने बोगो ऑफर्स के साथ साथ आगे बढ़ते हुए इतने सारे लॉसेस को अपने ऊपर लेती हुई नज़र आ रही है। और डेफिनेटली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं कंपनी किसी और जगह पर प्ले करती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर आपको टेबल के ऊपर तो नंबर्स जो हैं वो माइनस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी कंटिन्यूसली किस हिसाब से अपने रिवेन्यू के अंदर ग्रोथ करती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि कंपनी के फंडामेंटल इधर के उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और शेयर नीचे की तरफ धड़ाम से गिरता हुआ नज़र आ रहा है।